हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन परिवार एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय विक्रय अनुबंध नियम 1974। कुछ नहीं है दोस्तों, इतना मात्र है कि नगर पालिका कुछ भी दोस्तों खरीदेगी बेचेगी उसके लिए विज्ञापन निकालती है, निविदा करती है, मतलब जो आपको पता है ना, मतलब मांगती है कि आ जाओ भाई कोई ठेकेदार, आ जाओ लपेटे में ले लो हमसे, हम इस चीज का ठेका लेना चाहते हैं, ये बेचना चाहते हैं। बस मतलब नगर पालिका कुछ भी आलपिन से लेके ईंट भाटा पत्थर घर कुछ कुछ भी बेचना या खरीदना चाहती है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके लिए दोस्तों निविदा निकालेगी, निविदा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो बस उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, कितने रुपए तक किसके पास पावर है, क्या क्या उसकी क्वालिटी जांची जाएगी, बस वही सब देखेगा। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974। अब 1974 में बना दोस्तों, इसका मतलब 2009 तो नगर पालिका एक्ट बाद में बना, उससे पहले भी कोई नगर पालिका एक्ट था तो उसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो 19 जो दोस्तों देखिएगा 1959 में जो नगर पालिका एक्ट था उसकी धारा 297 और 80 297 और 80 की शक्ति का प्रयोग करते हुए ये बनाया गया था। ये नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है ये लागू कब से हुआ, तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ दोस्तों 16 फरवरी 1975 को, और ये कहा गया कि एक महीने में इसको लागू कर देंगे, तो 16 मार्च 1975 को ये लागू हो गया। कुल 17 नियम इसमें है दोस्तों, बस 17 नियम आज एक ही बार में निपटा देंगे, बस आधे घंटा देरी रखिएगा। तो देखिएगा, नियम पहला मैंने कहा था, कोई भी कानून हो, अधिनियम हो, एक तो नियम पाला, आप फॉर्म भरने जाओ तो आपका नाम, संक्षिप्त परिचय आता है, है ना, प्रारंभ आता है। तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दोस्तों राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 है और लागू 16 फरवरी दोस्तों, 14 फरवरी के 2 दिन बाद सामान क्रय विक्रय। समझ लेना कि आप दोस्तों गुलाब का फूल लेने जा रहे थे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देने के लिए, बस उसी के दरमियान 16 फरवरी को लागू हुआ 1975 में, देख लेना दोस्तों, मतलब इमरजेंसी लगी हुई थी उसके बाद भी तुम फूल देने जा रहे थे क्रय करके, है ना, फूल क्रय करके खरीद करके फूल देने जा रहे थे तो फरवरी इमरजेंसी के दरमियान, तो 16 फरवरी 1975 के एक माह बाद 16 मार्च 1975 दोस्तों देखिएगा, उसके एक माह बाद लगा लेना 16 मार्च 1975 से, ठीक है, याद रहेगा ना, फरवरी उसके एक महीने बाद, तो 16 मार्च 1975 इमरजेंसी के दरमियान आप फूल वूल देने जा रहे थे, ठीक है। आज भाई बिना चश्मे क्यों, कैसा अजीब लग रहा हूँ थोड़ा ना, आपको आदत नहीं होगी, पर मुझे ऐसा लगा आज कि थोड़ा उतना अंधे तो है नहीं, क्यों ना बिना चश्मे की क्लास रिकॉर्ड की जाए, है ना भाई। देखिएगा आगे देखते हैं परिभाषाएं नियम 2 में, हर किसी में दोस्तों चाहे वो धारा हो चाहे आर्टिकल हो, लगभग सब में यही होता है ना, तो सेक्शन नियम दोस्तों रूल 2 है परिभाषाएं, तो इसमें एक परिभाषा ध्यान रखना, क्या, जो क्रय अधिकारी मतलब कोई तो अधिकारी होगा जिसके पास खरीदने बेचने की शक्ति होगी, होगी ना भाई, तो नगर पालिका क्रय अधिकारी या मांग करता, मांग करेगा वो कि हमें इस चीज की मांग है, मुझे 4 डिब्बी आलपिन चाहिए, मुझे 10 ट्रॉली बजरी चाहिए, बाटा चाहिए, ईट चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, समझ लेना ना, तो मांग करता अधिकारी दोस्तों क्रय अधिकारी या मांग करता अधिकारी कौन होगा, कार्यपालक अधिकारी को बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो कार्यपालक अधिकारी होगा वही मांग करता, ये कई जगह दोस्तों अलग अलग है, मतलब कई जगह मुख्य जो अधिकारी होगा नगर पालिका अधिकारी वही होगा, कई अधीनस्थ अधिकारी होगा, तो ध्यान रखना करी अधिकारी कार्यपालिका अधिकारी को बोलेंगे, और बाकी सभी परिभाषा दोस्तों नगर पालिका देने वाली सेम टू सेम चेप देना, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद नियम 3 कहता है कि निविदा, निविदा समझते हो दोस्तों, निविदा निकालना ना, निविदा द्वारा सामान करिए और कार्य निष्पादन, दोस्तों अब निविदा के द्वारा सामान करिए किया जाएगा और कैसे कार्य निष्पादन किया जाए उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, राज्य सरकार के किसी आदेश या इन नियमों में निर्धारित किन्हीं उपबंधों के अलावा, राज्य सरकार का कोई आदेश हो वो अलग बात है, उसमें अलग तरीके से दोस्तों खरीदने का प्रोसेस किया जाएगा, या इन नियमों में निर्धारित किन्हीं उपबंधों के अलावा ऐसे सामान या सामग्री जिसमें वे 1000 से अधिक हो, दोस्तों 1000 से अधिक वे हो रहा है किसी सामग्री में, मान लो कि बजरी के ट्रैक्टर लाना है, मतलब सीमेंट की गाड़ी खाली करवानी है क्योंकि सीसी रोड बनवानी है, तो कुछ भी ऐसा लगा लेना, तो वे 1000 से अधिक है तो, और कार्य निष्पादन जिसमें 2000 से अधिक वे है तो दोस्तों देखिएगा तो क्या कहता है, देखते हैं, तो संविदा तब तक नहीं जब तक कि निविदा आमंत्रित ना हो, मतलब निविदाएं निकाली जाएगी, पूछा जाएगा लोगों से कि भाई जितनी भी फर्में आ जाओ हम ये देख लो बोली लगवा लो, है ना, ठीक है, तो आमंत्रित ना हो, और नियम 14 में निहित सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति ना ले ली हो, दोस्तों नियम 14 में दोस्तों ये बताया गया है कि कौन कौन सा अधिकारी जो होगा किस किस पैसे की लिमिट तक दोस्तों
परमिशन दे सकता है। तो सबकी अपनी अपनी औकात होती है, पद के हिसाब से आप सभी को पता है। जैसे आप यूआरओ बनोगे तो आपके पास ज्यादा औकात होगी, आपके नीचे कोई और अधिकारी होगा, कोई कर्मचारी होगा तो उसकी अलग औकात होगी, तो औकात के हिसाब से परमिशन दी जाएगी। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर इससे ज्यादा 1000 और 2000 से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक, मतलब संविदा तब तक नहीं जब तक निविदा आमंत्रित नहीं की जाएगी, ना निविदा आमंत्रित नहीं की जाएगी। और नियम 14 में निहित सक्षम अधिकारी से पूर्व सहमति न ले ली गई, ठीक है। तो सहमति लेकर के निविदा निकालेंगे, उसके बाद जो कम बोली लगाएगा, जो सस्ते में देगा उससे खरीद लेंगे, बस सीधा कॉन्सेप्ट है ना यार। हम भी जाते हैं दोस्तों मोल भाव करने दुकान में, मार्केट में फिरते हैं तो जो सस्ता देता है उसे ले लेते हैं, बस वही कहानी यहाँ पे दोस्तों, और कुछ नहीं है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं। नियम 4 कहता है सामान के क्रय की निविदाओं के बारे में, सामान के क्रय की निविदाओं के बारे में, देख रहे हो। अब देखते हैं क्या निविदा कर रहा है। तो आमंत्रित करने के लिए समय सीमा, आप देख रहे हो सामान कोई भी मंगवाना है, जैसे 1 लाख तक का कोई सामान मंगाना, मतलब बजरी का ट्रक समझ लो, तो दोस्तों 7 दिन में निविदा, दोस्तों निविदाओं के बारे में, तो 7 दिन के अंदर अंदर निविदा मंगवाई जाएगी, ठीक है। 1 से 10 लाख के बीच में कोई, मतलब बड़ा ही मान लो 4-5 गाड़ी सीमेंट का खाली करवाना है तो दोस्तों 10 दिन है उसके लिए। उसके बाद 10 लाख से 1 करोड़ का दोस्तों और बड़ा तो 15 दिन है, और 1 करोड़ से यदि का कोई सामान मंगवाना है तो 30 दिन दोस्तों, है ना। तो आमंत्रित करने के लिए समय सीमा क्या, निविदा आमंत्रित करने के लिए समय सीमा है कि 1 लाख तक का कोई काम करवाना है तो 7 दिन के अंदर अंदर निविदाएं मंगवा लो, जो सबसे सस्ता दे रहा हो आपके पास उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो दोस्तों, उससे संविदा कर लो, ठीक है। ये बात कहते हैं तो ध्यान रखना है 1 लाख तक 7 दिन है, 1 से 10 लाख तक 10 दिन है, 10 लाख से 1 करोड़ तक 15 दिन है, और 1 करोड़ से अधिक है तो 30 दिन है। ऐसी 3-4 डाटा आएंगे दोस्तों यहाँ पे, आप कंफ्यूज होगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना, एक साथ देखना कि कौन सी जगह किसके लिए क्या बात कर रहा है, तो याद हो जाएगी, ठीक है। और नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन के दिन से, अब ये दोस्तों ये दिनों की गणना कब की जाएगी, तो जो नोटिस नहीं निकालोगे कि हम इस चीज के लिए निविदा निकाल रहे हैं समाचार पत्र में, उस दिन से 7 दिन 10 दिन 15 दिन या 30 दिन की गणना की जाएगी, जिस दिन नोटिस निकालोगे। जिस दिन आपने सोचा नहीं, अधिकारी ने ऑफिस में बैठ के सोच लिया, उस दिन से नहीं नोटिस निकालेगा उससे 7 दिन काउंट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे की कटौती की जा सकती है, हाँ इन एन इमरजेंसी, जरूरी हो गया भाई साहब, बाढ़ आ गई समझ लो, है ना, और सीमेंट के कट्टों की, बजरी के ट्रक की जल्दी जरूरत है, तो कटौती कितनी, 24 घंटे की कटौती की जा सकती है, ज्यादा ज्यादा देख रहे हो 24 घंटे की, है ना। इसके बाद है निर्णय अधिकारियों की समिति द्वारा, लेकिन निर्णय जो है अधिकारियों की समिति के द्वारा किया जाएगा, कौन कौन से दोस्तों देखिएगा, अगर जिला मुख्यालय पे है तो डीएम दोस्तों, उपखंड पर है तो एसडीएम दोस्तों, पीठासीन अधिकारी है, नगरपालिका का पीठासीन अधिकारी और नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी दोस्तों, आदेश इनका अंतिम होने वाला है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद है निविदा आमंत्रण की संख्या, अरे कितनी निविदाएं मंगवाई जाए, है ना, तो देखिएगा क्या संख्या की क्या बात कर रहा है, तो देखिएगा निविदा आमंत्रण की संख्या जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं आई तो नए सिरे से, मतलब पर्याप्त मात्रा में तो कम से कम आनी चाहिए। मान लो कोई आदमी है दोस्तों, इसमें आना आपने देखा होगा कई बार जो कलेक्टर होता है या जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है ऐसी फर्जी निविदाएं निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को, और अपने रिश्तेदारों को सेंड कर देते हैं कि आ जाओ भाई साहब, अब वो कह देंगे सरकार को कि देखो 3-4 निविदा नहीं तो वो घर घर के आ जाएंगे सारे कि हमने कर दिया, ऐसा होता है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अपने चहेतों को, ठेकेदारों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ये इसीलिए होता है क्योंकि वो बताते ही नहीं है और फर्जी न्यूज़पेपर में छपा देते हैं खबर, तो दोस्तों इस अधिनियम में तो खुला खुला लिखा गया है कि ऐसा न्यूज़पत्र हो जो राजस्थान में दैनिक हो ऐसे, फिर अदर अभी आगे देखेंगे हम पूरे प्रावधान पढ़ेंगे, लेकिन बहुत वायलेंस होता है उन चीज़ों का, देखिएगा। तो निविदा प्राप्त करने दो, तो पर्याप्त मात्रा में निविदा नहीं है तो नहीं सिरे से, मान लो कि निविदा ही नहीं आई, 3 बजरी के ट्रक खाली करवाने थे, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई साहब, हमें सोच टेबल चेयर मंगवानी थी, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, है ना, किसी को ठेका देना था, तो निविदा ही नहीं आई तो दोस्तों नए सिरे से वापस नोटिस निकालेंगे कि आ जाओ रे भाई, आ जाओ हम तुम्हारे ग्राहक बनने के लिए तैयार है, लुटने के लिए तैयार है, आ जाओ आ जाएंगे हमारे जैसे खूब लोग, ठीक है। तो ये है, तो निविदा आमंत्रण की संख्या दोस्तों अगर पर्याप्त नहीं आई तो नए सिरे से वापस आपको करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, अगर इंटरव्यू नहीं आता तो आपको वापस प्रीलिम्स देना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि दोबारा इंटरव्यू दोगे, प्रीलिम्स फिर मेंस पास करके आना पड़ेगा, और कई बेचारे इंटरव्यू दिए हुए बच्चे प्रीलिम्स में लटक जाते हैं, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नियम 6 कहता है निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, देखिएगा निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया, एक तो विज्ञापन द्वारा विज्ञापन दिया जाएगा, इसको खुली निविदाएं कहते हैं, ओपन निविदाएं, ठीक है, और ये 5000 से अधिक मूल्य वाली होगी दोस्तों। विज्ञापन द्वारा मतलब विज्ञापन दिया जाएगा किसी न्यूज़पेपर में कि आ जाओ भाई साहब, है ना, ये खुली निविदा है, ओपन निविदा होगी। एक होगी सीमित संख्या में फर्मों की सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदा, ये सीमित संख्या में होगी और 10,000 से कम मूल्य वाली होगी, सीमित मतलब 2-4 जो उनकी लिस्टेड है कि ये अच्छी क्वालिटी की, इनको बुला लेते हैं करवा लेते हैं काम, ठीक है, ये 10,000 से कम मूल्य वाली होगी। इसके बाद केवल एक फर्म को आमंत्रण, भाई साहब केवल एक फर्म को आमंत्रण देना है तो 1,000 से कम मूल्य वाली, मान लो 2-4-10 पेन का डब्बा ही मंगवाना है, डंके पेन है
तो अब इसमें क्या ही निविदा करवाएं कुछ, है ना, क्यों क्यों लोगों को परेशान करें, कोई एक फर्म को पकड़ लो बढ़िया दुकान वाले को, चलो भाई है ना हो गया काम। अब देखिएगा इसके बाद इतने प्रकार की देख लो आप, सीमित भी होती है, केवल एक फर्म के साथ भी होती है, ओपन भी होती है, ठीक है। अब सीमित निविदा और एकल निविदा में करी अधिकारी फर्म की सूची बनाएगा, वह अपडेट करेगा। दोस्तों सीमित निविदा में सीमित लिमिटेड मतलब उनके पास वो है लिस्ट है तभी तो लिमिटेड है, और एकल निविदा एकल का पता है, ओपन में तो कोई भी आ सकता है तो उसकी तो लिस्ट है ही नहीं। तो जो इनके फिक्स है सीमित की और एकल निविदा, जैसे कई कई बार देखते हो ना दोस्तों एक नगर पालिका एक ही आदमी को ठेका देती रहती है, या उनके पास चार पांच कंपनियों की लिस्ट होती है, ठेकेदारों की लिस्ट होती है, उन्हीं को निविदा देती रहती है, तो वही है। तो सीमित और एकल निविदा में करी अधिकारी जो है, करी अधिकारी कौन, वही कार्यपालक अधिकारी, वो फर्मों की सूची बनाएगा और उसको अपडेट रखेगा कि भाई साहब इसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया था, कई बार घटिया माल दे दिया था, इसको हटाओ, तो जो भी उसको अपडेट करना होगा इस प्रकार से करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फर्मों को सूची में शामिल तभी जब प्रतिपूर्ति रकम के रूप में, अब देखो भाई साहब ये अच्छा प्रावधान है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखिएगा देखिएगा क्या कहते हैं। तो फर्मों तो समझते हो ना भाई, जो भी फर्म है आप भी बना सकते हो फर्म, फर्जी तरीके से सेल कंपनी बनाई जाती है आजकल, है ना, ठेकेदार वाली। तो देखिएगा तो फर्मों को सूची में शामिल जो भी लिस्ट है उसमें शामिल तभी जब प्रतिभूति रकम के रूप में 25% जमा करवाएंगे। अब भाई साहब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कम से कम 25% राशि तो जमा करवानी पड़ेगी आपको, कि हमें वरना क्या पता चला ये फर्जी कंपनी है ना। तो 25% सिक्योरिटी मनी कह सकते हैं, इसको सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ेगी आपको, अगर आपको निविदा लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है आपकी फर्म है तो, ठीक है, ये करना चाह रहा है। अब दोस्तों लेकिन छूट भी है, नॉट निविदा राशि सीमा में निम्न मामलों पर लागू नहीं, निविदा राशि सीमा जो ये है ये निम्न मामलों में लागू नहीं है। अब ऐसे कैसे मामले हो सकते हैं, अब जो देखिएगा जैसे खादी बोर्ड है ये राजस्थान सरकार का ही है ना, अब खादी बोर्ड से क्या सिक्योरिटी मनी ले, सरकार आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ फर्म है, ऐसे कुछ सरकारी डिपार्टमेंट है जहां से अगर नगर पालिका संबंध बनाएगी सर्विदा करेगी तो सिक्योरिटी मनी की जरूरत नहीं है। क्या क्या हो सकता है, जैसे मामला सौतुधारी प्रकृति का, अब सौतुधारी प्रकृति का है मतलब किसी का एकाधिकार उस चीज पे, किसी की जमीन समझ लो, अब जमीन तो आप मान लो कि किसी की जमीन अधिग्रहण करनी है, अब वो उसी एक मालिक की जमीन है, अब उससे क्या ही मतलब, ना तो निविदा की जरूरत है वहां पे, तो सौतुधारी प्रकृति का है ना, तो वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। या कोई एकाधिकार रखता है किसी चीज के ऊपर, या कोई ब्रांड है, जैसे कहीं के रसगुल्ले फेमस है, कहीं के क्या, कहीं की बेलपूड़ी पता नहीं क्या है ना, तो इसका सौतु प्रकृति का हो, उसका अपना मतलब, उसका मतलब वो हो ना, उसी का मतलब उसमें क्या हो, मालिकाना हक हो, ठीक है। इसके बाद है विश्वसनीयता वाले किसी रजिस्ट्रीकृत निर्माता से करी किया गया, अब कोई आदमी है जो एकदम बढ़िया पेट वाला आदमी है, गांव में कहते हैं ना पेट वाला आदमी, भाई साहब बीघा आगरा का पेटा भी दुकान पर ले रहा है, पेट वाला आदमी है, तो यहाँ को कोई भी पेट वाला आदमी है विश्वसनीयता वालों, तो उससे जरूरत को ना 25% की पता जाना चाहिए कलेक्टर डीएम जो भी कार्यपालक अधिकारी है कि ये आदमी पेट वाला है, ठीक है। सरकारी संस्थान और बोर्डों से करी, इसमें सारे सरकारी संस्थान आ जाएगा, चाहे वो खादी बोर्ड हो या और भी किसी प्रकार का बोर्ड हो जो कुछ बनाता है हथकरघा उद्योग जो भी है, तो वो अगर सरकारी है तो दोस्तों उससे करेगा तो 25% की जरूरत नहीं है। उसके बाद राज्य सरकार की सीखो कमाओ योजना, एक राज्य सरकार की सीखो और कमाओ योजना है तो उसमें कुटीर उद्योगों में कुछ बनता है और बेचते हैं, एक सरकारी योजना है तो इससे भी कोई जरूरत नहीं है 25% की। राज्य सरकार द्वारा कोई और छूट, राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है, लुगाई को आदमी, आदमी को लुगाई, अन्य राज्यों से करे तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समाचार पत्र में विज्ञापन, अब हरियाणा से कोई सामान मंगवाना है ना, तो हरियाणा भाई तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब ये तो छूट तो इतनी होगी भाई ऊपर वाला, ठीक है, ये छूट वाला मामला हो गया। अब कह रहा है कि राज्य सरकार अन्य राज्य से मांग, हरियाणा से कोई सामान मंगवाना है तो भाई साहब विज्ञापन तो देना पड़ेगा, और कैसे, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, वो राज्य सरकार मतलब राजस्थान समझ लो, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित समाचार पत्रों में विज्ञापन, राजस्थान सरकार कह देगी कि जो हरियाणा केसरी है, हरियाणा राजस्थान पत्रिका है, उसमें कम से कम विज्ञापन देना पड़ेगा आपको, टुच्चे मुच्चे अखबार में नहीं। और होता क्या है दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, नए नए अखबार बनते हैं तो वो मान्यता प्राप्त होते हैं राज्य सरकार से, लेकिन उनका ज्यादा कवरेज नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ठेका लेने के लिए न्यूज़पेपर निकाल देते हैं, है ना, और उसको छपवाते नहीं, पब्लिसिटी नहीं करते, और वो वैसे ही कमा के खा रहे होते हैं, डायरेक्ट कलेक्टर साहब कह देंगे या कार्यपालक अधिकारी कि उसे अभ्यापन में छपवा देता, तो वो लीगल है, अखबार में तो विज्ञापन दिया लेकिन उसकी रीच ही नहीं है, तो ऐसे घोटाले होते हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब फर्जी अखबार भी चलते हैं। सभी व्यापारी मिले हुए हैं और कीमतें प्रचारित दर से अधिक तो पुनः नवीन, अब बताओ भाई साहब, अब मान लो ये कहना चाह रहा है कि सभी व्यापारी मिले, जैसे पांच लोगों से हमें मंगवानी है क्या, मतलब बजरी की गाड़ी मंगवानी है, अब पांचों दोस्तों आपस में मिले हुए हैं, देख लो पांचों आपस में मिले हुए हैं कि हम तो इस रेट से दर पर देंगे नहीं, जबकि बाजार में अलग ही मूल्य चल रहा है, लेकिन अब नगर पालिका तो उन पांच को जानती है,
अब नगर पालिका कहेगी कि भाई मार्केट में तो सस्ता मिल रहा है तो महंगा क्यों दे रहे हो, और पांचों में से बेटा कोई भी कम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लुटाई चाहते हैं कि कमाई किसी में से एक को भी मिल जाएगा, कमाई हो जाएगी। ऐसा होता है ना दोस्तों, कई बार मिली भगत होती है। जैसे किसान दोस्तों मंडी में सामान बेचने जाता है तो सारे व्यापारी मिले होते हैं, किसान को दो दो रुपए की एक रुपए भाव बढ़ाते हैं, कम करते हैं, किसान को लूटते हैं कि कोई, और वो व्यापारी इस कदर मिले होते हैं ना कि कोई भी भाव बढ़ाएगा ना सालों चौटा पड़ेगा, तुम्हारे पे एक्शन लिया जाएगा, वो अपने आप में इतने मिले होते हैं, इसलिए किसानों का शोषण होता है। तो ऐसे दोस्तों कई बार कॉन्ट्रैक्टर मिले होते हैं, तो अब नगर पालिका क्या कहेगी, भाई प्रचलित बाजार तो ये, अब इससे कम में दे दो ठीक है, वरना दोस्तों नगर पालिका नहीं दोस्तों विज्ञापन जारी कर देगी, नई निविदाएं आमंत्रित करेगी दोस्तों ना, तो पुनः नवीन निविदाएं जारी करेगी अगर वो मिले हुए हैं। लगता है ऐसा आभास हो जाता है कि प्रचलित मार्केट दर से ज्यादा रेट पे सौदा कर रहे हैं, तो ये बात है। अब आ जाओ दोस्तों नियम नंबर 7 में, ठीक है, बड़ा इजी है दोस्तों, हालांकि इसकी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा इजी है ना। हाँ, राज्य सरकार फर्मों को ब्लैकलिस्ट करेगी दोस्तों। देखिएगा, अब कोई आदमी है, कोई फर्म है, कोई ठेकेदार है, वो दोस्तों भ्रष्ट आचरण क्या कर रहा है दोस्तों, पकड़ा दिया कि भाई साहब ये बनास चंबल की वो क्या है बजरी है, पता चला वो तो भाई साहब ये कि किसी गली के नाला में से भर के लाया ट्रक है ना, ऐसा कह दिया कि तो बड़ा बड़ा भीलवाड़ा की ईट है, और वो ईट तो भाई साहब यहीं पे मोकमपरा से उठा लाया वो है ना, तो ऐसा कुछ भी गलत सामान बेच रहा है या नकली सामान बेच रहा है, क्वालिटी कम का बेच रहा है, तो सरकार कितने दिन जलेगी उसको। तो भ्रष्ट आचरण के आधार पर दोस्तों निम्न गुणवत्ता का माल दिया तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देगी, फिर वो कभी निविदा नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद है कार्यपालक अधिकारी जितने व्यय के लिए अधिकृत हैं उतने तक केवल उसी के हस्ताक्षर चलेंगे। देख रहे हैं, अब मैंने बताया आगे दोस्तों धारा 14 में पढ़ेंगे हम कि अलग अलग की अलग अलग पावर होती है, आपकी अलग है मेरी अलग है, आपकी पढ़ने की है मेरी पढ़ाने की है, किसी की कुछ है दोस्तों। तो हर कार्यपालक अधिकारी अपने अपने औकात के हिसाब से जो जो भी निविदा तक वो लिमिटेड रखा गया है, सीमित रखा गया है कि तू 1 करोड़ तक तो साइन करेगा, 15 लाख तक तो उसके साइन चलेंगे उस निविदा पे, ये बात है दोस्तों ना, केवल उसी के हस्ताक्षर चलेंगे। इसके बाद कहता है नमूनों और विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। अब भाई साहब आपको पता है कोई भी बजरी लेनी है ना, तो दोस्तों नमूना सैंपल देखा जाएगा कि तुम्हारी बजरी की क्वालिटी बता, तो नमूना देखा जाएगा और विशिष्टियों मतलब स्पेसिफिकेशन उसकी क्या क्या है दोस्तों। जैसे कैमरा ऑर्डर करना है, मान लो कैमरा ऑर्डर करना है नगर पालिका को, तो कैमरा में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये HD है, फुल HD है, इतना मेगापिक्सल का है, ये वगैरह, 360 डिग्री है, 260 डिग्री है, जो भी होगा, तो जो स्पेसिफिकेशन उसको जांचेगा है ना, उनके अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने का कि जो हमें नमूना दिखाया गया उसी के अनुसार सप्लाई हुई कि नहीं, और ये जरूरी होता है दोस्तों है ना। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो जो सैंपल दोस्तों आपको देखा होगा ना, ऐसा मतलब कहीं भी जाओ तो इतनी खतरनाक पिक्चर दिखाती हो, कपड़ा इतना अच्छा जम रहा होता डमी पे, तो और आप घर मंगवाते हो तो पता चलता है यार ये था है ना, होता है ना ऐसा कि ये था हमने देखा, तो कई बार ऐसा होता है धोखा हो जाता है। तो वही चीज देखना है कि जो सैंपल था वो है कि नहीं है, उसी अनुसार क्वालिटी है कि नहीं। तो आपूर्ति प्राप्त होने पर करी अधिकारी वही कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट है ना, उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट नीचे वाले को कह सकता है कि भाई मुझे टाइम नहीं है तो तू देख ले, तो उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी करेगा, चेक करेगा है ना, और व्यापारिक परीक्षण करेगा, मतलब वो उसकी क्वालिटी जांचेगा, मतलब एक तो चेक कर लेगा, फिर भी उसको बिलीव नहीं हो रहा था कैमरे को दोस्तों चालू करवा के पूरी क्वालिटी जांच कर लेगा, ठीक है ना, ये कर सकता है, मतलब ऑपरेशनल जो भी है प्रैक्टिकल करके देख सकता है। करी अधिकारी उत्तरदायी होगा किसी प्रकार की क्वालिटी आती है, देख रहे हो दोस्तों, अगर ये चेक नहीं किया किसी प्रकार की तो करी बिल्कुल यही उत्तरदायी होगा, या तो करी अधिकारी या करी अधिकारी के नीचे इसको बोला था निर्दिष्ट अधिकारी को, तो ये उत्तरदायी होगा ना, करी अधिकारी या नाम निर्दिष्ट है ना, नाम निर्दिष्ट ये उत्तरदायी होगा, खराब क्वालिटी आती है तो क्योंकि उनको बोला गया था कि चेक करना तुम्हें क्वालिटी, ठीक है, तुलना करेगा है ना सैंपल से, सैंपल जो देखे गए थे ना, पता ना आपको दोस्तों हमारे घर में भी जब बढ़िया आता है मतलब क्या लेने मूंग लेने चने लेने, तो वो देखता है ना सैंपल देखता है एक मुट्ठी निकाल के, तो वो सैंपल, तो सैंपल में पकड़ा के गया ये, या मान लो कोई कैमरा दिखा के गया बजरी का सैंपल है, ईट का सैंपल है, जो भी है, तो जो भी है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो करिए अधिकारी तो वो तुलना करेगा उससे सैंपल से, 10 वस्तुओं को उठाकर, 10 वस्तुओं को उठा लेगा भाई साहब कोई भी है ना, जैसे 10 चेयर ही है तो 10 चेयर को उठा लेगा एक साथ, 2000 चेयर मंगवा ली मान लो है ना, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल, मतलब कोई भी सामान अब घर पे तो कोई बनता नहीं है, सरकार घर पे तो कोई सामान बनाती नहीं, सारा जितना भी मोल आना पड़ेगा, बहुत सारे काम करती है सरकार, जैसे पाइप है, अब पाइप कितने पाइपलाइन बिछानी है पानी की, तो कितने ही सारे पाइप चाहिए होता है, तो उनकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, तो 10 वस्तुओं को उठाकर कम तो कारण बताना होगा दोस्तों, अगर क्वालिटी कम है, क्या क्वालिटी कम है तो कारण बताना पड़ेगा उसको है ना भाई, और आपूर्ति समाधान पर दो, मतलब आपूर्ति संतुष्ट हो कि हाँ ठीक है वही आपूर्ति जो सैंपल में दिखाई गई थी, तो रजिस्टर में चढ़ाने का आदेश तथा प्रमाण पत्र देगा, तो प्रमाण पत्र दे देगा कि भाई तुम्हारी क्वालिटी ठीक है, ये फिर बिल बन ही जाएगा आगे, ठीक है। हाँ, यदि आपूर्ति सही नहीं, पर आपूर्ति सही नहीं है, सैंपल से मैच नहीं करती है, तो तुरंत करी अधिकारी के संज्ञान में लगेगा दोस्तों ये नाम निर्दिष्ट अधिकारी, अगर करी अधिकारी खुद ही चेक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नाम निर्दिष्ट अधिकारी चेक कर रहा है तो तुरंत करी अधिकारी को बोलेगा अपने ऊपर वाले सीनियर को जाके करी अधिकारी को कि भाई साहब माल में गड़बड़ कुछ तो ना, तो बोलेगा, तो अधिकतम 1 सप्ताह में खराब माल को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों देखिएगा,
ये करी अधिकारी को सूचित करेगा, करी अधिकारी भाई साहब आएगा बाहर, ऑफिस से निकलेगा इसी से बाहर कि उसको हड़काएगा ठेकेदार को कि भाई देख ले तेरी ये क्वालिटी खराब है और इसको या तो चेंज कर ले तू, या फिर भी कहे कि नहीं है यही है अभी बन ही नहीं रहा है माल, ऐसा वैसा कुछ भी करेगा। तो ये करी अधिकारी पे है कि वो एक एक सप्ताह में दोस्तों उसको स्वीकार भी कह सकता है या कह सकता है भाई ठेकेदार तेरी सामान ले जाओ वापस, हमें नहीं चाहिए ऐसा घटिया का माल, ठीक है। तो ये बात है, तो अधिकतम एक सप्ताह में खराब माल को स्वीकार स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर लिया तो नगर पालिका बताएगा, अगर स्वीकार किया दोस्तों खराब क्वालिटी के उसको भी करी अधिकारी ने स्वीकार कर लिया तो भाई साहब नगर पालिका को बताना होगा लिखित में, कौन करी अधिकारी बताएगा लिखित में अधिकारी कि भाई स्वीकार क्यों किया कारण बता, तो वो कहेगा अरे भाई साहब क्या करूं उसके पास माल नहीं था और हमारी इमरजेंसी थी, पाइप फूटी हुई थी, लाइन बिछानी थी, हमें थोड़ा कर लेते हैं क्वालिटी समझौता, पैसे भी थोड़े कम कर देते उसने, यही है जो भी कारण बताएगा वो लिखित में देना पड़ेगा नगर पालिका को, क्योंकि फाइनली आपको पता है संसद है विधानसभा नगर पालिका यही है लोकतांत्रिक बॉडी, तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा वित्त समिति के सदस्य कभी भी जांच प्रारंभ कर सकते हैं। अब भाई साहब क्वालिटी खराब है अच्छी है, अब वित्त समिति के सदस्य जो होते हैं ना फाइनेंस कमेटी जो होती है उसके सदस्य कभी भी जांच कर सकते हैं दोस्तों, ये सदस्य है ना मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी ऊपर इस मामले में, ठीक है, मतलब उससे करी अधिकारी से, ठीक है। अभिलेख देख सकते हैं, अभिलेख देख सकते हैं कि जो 4 साल पहले 2 साल पहले 3 महीना पहले जो कल परसों में जो वो गाड़ी मंगवाई ठीक थी कि नहीं थी जाते हैं दोस्तों, नमूना ले सकते हैं दोस्तों, नमूना उठा सकते हैं उसकी तुलना कर सकते हैं और नमूना अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि इसने नगर पालिका को बोल दिया कि मैंने खराब क्वालिटी का माल एक्सेप्ट कर लिया, ये लिखित है इसी कारण से कर लिया, फिर जांच समिति जाएगी जांच करेगी ठीक है कि भाई ठीक है सब जैसे वही कर चरण जो ऊपर उसने अपनाया वही कर लेंगे, फॉर्मेलिटी होती है ले देखिए 1000-2000 का नोट हो जाएगा हमारा, है ना, अधिकारी तो है ठेकेदार ने अधिकारी को दिया होगा, अधिकारी ने विसमिति को दे देंगे और विसमिति वाला नगर पालिका अध्यक्ष को दे देगा, ये आपस में चेन बन जाती है, किसी लिए तो घोटाले होते हैं। आ जाओ भाई इसके बाद चलते हैं आगे की कड़ी में, विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार। दोस्तों ये प्रभार है तो क्या क्या प्रभार लगेगा उस पर, अगर निविदा मूल्य दोस्तों 10,000 रुपए तक है दोस्तों तो 20 रुपए निविदा प्रभार लगेगा, ये ध्यान रखना आपको, 10,000 से 1,00,000 है तो 50 रुपए निविदा प्रभार है, 1,00,000 से 5,00,000 है तो 100 रुपए है, 5,00,000 से 1 करोड़ है तो 200 रुपए है और 1 करोड़ से अधिक है 500 रुपए है, कोई गोल की पिलाने की इनको तो दवाई है नहीं, इस कहानी पे डाटा पे कोई कहानी बनती नहीं है ना कि आप कहोगे सर कुछ कहानी बना दो इनकी भी, क्या बताऊं भाई है क्या बनाऊं इनकी, है ना कोई एक शब्द भी हो तो पकड़ू मैं, अब लाख में पैसों में बात हो रही है तो कुछ नहीं है, जैसा है वैसे आपको याद करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से, श्याम ध्यान दंड तुम लगा लेना, जहाँ पे मेरा काम होगा मैं कर दूंगा, इसलिए कह रहा था मैं कि 3-4 डाटा ऐसे आएंगे जहाँ पे नंबर ही नंबर होंगे वो आपको कंपेयर करके आपको पढ़ना पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा अगर थोड़ा बहुत ही आपको याद रहेगा तो, हालांकि पूछने की चांस कम ही थी फिर भी पूछ लिया। तो लोक निर्माण कार्यों की निविदा मदद करना, अब दोस्तों निर्माण कार्य की वो जो ऊपर पढ़े ना हमने दोस्तों वो तो मैंने आपको ईंट भाटे का वो दे दिया था, क्या करते हैं एग्जाम्पल दे दिया था, वहाँ ईंट भाटा मत लेना, मतलब और अदर जो ऑफिस का काम है या किसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं ये लोक निर्माण के काम आप चलेंगे दोस्तों ना, ईंट भाटा पत्र वाले है ना, तो वो अदर टाइप की चीजें जो थी लेकिन वो समझाने के लिए मैंने बोला मिक्स भी कर सकते हो कोई वो इश्यू नहीं है ठीक है। तो लोक निर्माण कार्य की निविदा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा गया कि सिर्फ इतना ही है कि लोक निर्माण कार्य के लिए अब 10 में जो है लोक निर्माण के लिए ये इतना ही है, बाकी कोई एग्जाम्पल कहीं पे है नहीं वो मैं अपने हिसाब से देता हूँ ठीक है। तो लोक निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित करने के लिए समयावधि तो मूल्य है दोस्तों, अब लोक निर्माण कार्य के लिए तो और समय सीमा है दोस्तों, तो अगर 1,00,000 तक का काम है तो 7 दिन, 1 से 10 लाख का तो 10 दिन और 10,00,000 से 1 करोड़ 15 दिन है, 1 करोड़ से अधिक है तो 30 दिन है, ये समय सीमा है, मतलब इतने दिन के अंदर अंदर इतना मोटा काम है तो इतने दिन के अंदर निविदाएं ले लो पूरी जितनी भी है ठीक है ना, प्रक्रिया पूरी कर लो। अब छोटा काम है 1,00,000 का तो 7 दिन काफी है निविदा लेने के लिए और 1 करोड़ से अधिक का काम है तो 30 दिन 1 महीने के लिए निविदा ले लो, कोई ढंग का आदमी आ जाए तो घाटा ना लगे बढ़िया क्वालिटी आ जाए ठीक है ना। अब समाचार पत्र में प्रकाशित दोस्तों दिनांक से, ये कब से गणना की जाएगी मैंने पहले बताया कि जब विज्ञापन दे दोगे आप समाचार पत्र में तब से इसकी गणना कर ली जाएगी। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई कार्य से संबंधित जरूरी काम के लिए अगला उत्तराधिकारी लघु नोटिस की इजाजत दे सकते हैं। देखिए दोस्तों अब बाढ़ नियंत्रण है या सिंचाई सुविधाओं के लिए इमरजेंसी पड़ गई है दोस्तों तो क्या हो सकता है, जरूरी काम के लिए अगला उत्तराधिकारी मतलब जो भी जिम्मेदार है उससे ऊपर रैंक का आदमी जो है वो दोस्तों लघु नोटिस की इजाजत दे सकता है और अन्य जरूरी आपात कार्य के लिए समय सीमा डीएम या क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा कम की जा सकती है दोस्तों ना। अगर और भी आपातकाल है मतलब आपात स्थिति आ गई है तो दोस्तों डीएम कम कर देगा इसकी समय सीमा और क्षेत्रीय उपनिदेशक दोस्तों है ना, जैसे कोई आंदोलन कर दे कि भाई साहब हमें तो जिला कलेक्टर बिठाना ही बिठाना है 1 महीने में क्या 15 दिन में हमें जिला कलेक्टर बिठाना, जैसे दूधुवाड़े कर दे आंदोलन है ना कि हमें तो जिला कलेक्टर ऑफिस बनवाना ही है तो भाई साहब अब निविदा 1 करोड़ से अधिक का तो ऑफिस बनेगा वहाँ पे, अब निविदा 30 दिन तो निविदा में टाइम लगेगा लेकिन आपात स्थिति आ गई कि हम तो हाईवे खाली नहीं करेंगे बनाओ तो फिर क्या करेंगे आदेश निकालेंगे कि भाई आपात स्थिति है जल्दी से चूना पत्र ईट भाटा लाओ कारीगर बुलाओ 15 दिन में डीएम ऑफिस बनाओ, तो ऐसा कोई भी आपातकाल लग जाए
आपात स्थिति, आपातकाल वो 356 वाला मत लगा लेना, आपात स्थिति इमरजेंसी है ना, तो दोस्तों डीएम दे सकता है क्या, और क्षेत्रीय उपनिदेशक जो है द्वारा वो समय सीमा कम की जा सकती है, ध्यान रखना ठीक है। इसके बाद देखिएगा अपवाद तो होते हैं आप सभी को पता है। अब देखो कम कितनी की जा सकती है दोस्तों, तो मतलब 30 दिन वाली जो 1 करोड़ से ज्यादा का मामला था तो उसको दोस्तों 20 दिन तक कर सकता है ना, 20 दिन में जो 30 दिन थे वहां पे उसको 20 दिन में कर दिया, और जो 15 दिन है उसको 10 दिन में बदला जा सकता है दोस्तों, जो 30 दिन वाला है उसको 15 दिन में, 30 दिन वाले को 20 दिन में बदला जा सकता है जो ऊपर देखा हमने, देखिएगा देखिएगा है ना, ये देखिएगा 10 लाख से 1 करोड़ तक जो है 15 दिन दोस्तों, तो 15 दिन वाले को 10 दिन मतलब 5 दिन कम किया जा सकता है इन एन इमरजेंसी आपात स्थिति में, और 1 करोड़ से अधिक 30 दिन उसको 20 दिन किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं भाई। ये जो नीचे वाले करेंगे ना अधिकारी, ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इनकी भी पावर इतनी है। निविदा वेबसाइट पर भी जारी की जाएगी, निविदादाता ई निविदा द्वारा भी आवेदन कर सकता है, वेबसाइट पर भी जारी कर सकती है ऑनलाइन, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ऑनलाइन ई बुक भी हमने लॉन्च करी तो ऑफलाइन नहीं थी, पेजेस नहीं थे, हमने ई बुक लॉन्च कर दी तो आपने ले भी ली, वो पढ़ भी ली, तो ई बुक मतलब ये भी निविदा निकाल देंगे वेबसाइट पे और लोग कर भी लेंगे है ना, ठीक है ये बात है। इसके बाद देखिएगा नियम 11 क्या कहता है, ऐसे कार्य जिनमें 2000 तक का व्यय शामिल हो। अब ये कह रहा है कि 2000 तक का मतलब छोटा ही काम है, छोटा काम है तो भाई सब देखते हैं आओ करते देखिएगा, ऐसी निविदा के बारे में बात कर रहा है जिसमें 2000 तक, तो निविदाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया नियम 5 और 6 के अनुसार, जो हमने ऊपर देखी निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया नियम 5 और 6 में, उसी के अनुरूप अपनी कोई चेंज नहीं होगा। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दरों तय दरों पर या कम दरों पर है ना, राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दरों पर या कम दरों पर है ना, या तो तय दर, सार्वजनिक निर्माण विभाग दरें तय करता है कि हाँ भाई बजरी की ट्रॉली 5000 में लेनी है तो लेनी है भाई साहब उससे, या तो उस दर पे या कम पे, ज्यादा पे नहीं, क्योंकि ज्यादा पे लिया आप 10000 में ले लो तो हो गया घोटाला है ना, तो या तो वो तय दर या उससे कम पे ले लो तो सरकार को पैसा बच रहा है तो सरकार इजाजत दे देती है, ज्यादा नहीं खर्च करना ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा दोस्तों ठीक है, ये बात तो सब जगह लागू होती है। अब मूल्य देखिएगा, और दोस्तों यहाँ पे प्रचार की रीति दोस्तों ठीक है, मतलब मूल्य है तो 2000 तक का ये देख रहेगा, अगर 2000 रुपए तक का सामान मंगवाना है तो दोस्तों प्रचार की रीति मतलब किस प्रकार के अखबार में आपको प्रचार करना पड़ेगा, तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानीय दैनिक दोस्तों, स्थानीय कोई अखबार हो, दैनिक मतलब चलता है ना दूध समाचार पत्र, ये पता नहीं क्या क्या, साप्ताहिक भी हो सकता है और पाक्षिक भी हो सकता है दोस्तों ना, साप्ताहिक भी हो सकता है और 15 दिन में जो आता है वहां पे दोस्तों स्थानीय अखबार में आप इसको मेंशन करना पड़ेगा, ये विज्ञापन करना पड़ेगा। अब 20,000 से 10 लाख का सामान का कोई निविदा है तो दोस्तों राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में, प्रमुख जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ऐसे अखबार में दोस्तों 20,000 से 10 लाख तक का, और 10 लाख से अधिक का मामला है तो दोस्तों क्या राजस्थान का प्रमुख समाचार पत्र है ना दैनिक, वो भी अगर अखिल भारतीय समाचार पत्र, और एक अखिल भारतीय में जैसे राजस्थान पत्रिका भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में या द हिंदू में भी आपको लिखवाना पड़ेगा, एक अखिल भारतीय होगा एक राजस्थान का होगा, तो राजस्थान का राजस्थान पत्रिका समझ लो और इंडिया लेवल का टाइम्स ऑफ इंडिया समझ लो, द हिंदू समझ लो, कुछ भी है ना, ये बात कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद नियम 12 क्या कहता है, निविदा पर विचार तब तक नहीं जब तक कि निर्धारित अग्रिम धन, दोस्तों मैंने कहा था कि सिक्योरिटी मनी 25% जमा न करानी पड़ेगी और तभी उस निविदा पे विचार किया जाएगा, ताकि कोई फर्जी ना आ जाए ना, हमारे आपके जैसे लोग जो है फर्जी कंपनियां बढ़ा रखी है और पहुंच के वैसा भीड़ बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर 25% वो एडवांस लेंगे तो वो इंटरेस्टेड लोग ही तो उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, तो ये फर्जी लोगों को बचाने के लिए, भीड़ कम करने के लिए 25% का दायरा बनाया गया। ये आगे दोस्तों, अब दोस्तों अब जैसे 10 आवेदन आ गए तो 10 में से 9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो जो 9 को रिजेक्ट करना पड़ेगा तो 9 को वापस ये सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ेगा ना, तो वो कितने दिन में देना पड़ेगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे पढ़ते दोस्तों। तो लेकिन नियम 12 ध्यान रखना कि निविदा पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक भी, तो 25% पैसे एडवांस दे देंगे तो दोस्तों उस पर विचार किया जाएगा, वरना तो रिजेक्ट हो जाएगी। नियम 13 कहता है सभी वस्तुएं उनकी स्वीकृति से पहले निरीक्षण के अधीन रहेगी। अब कोई भी आदमी दिखा रहा है कोई कि हमारी ये चीज ले लो, वो जो भी संविदा हो रही है मान लो कि चेयर टेबल चेयर के ले रहा है, तो दोस्तों स्वीकृति से पहले निरीक्षण के अधीन होगी, निरीक्षण किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है ना, उसका सैंपल जांचा जाएगा, वही बात कर रहा है 13 में। उसके बाद सक्षम स्वीकृति, ये जो 14-15 की हम बात कर रहे थे कि अपने औकात के हिसाब से जो अधिकारी है वो कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसी पे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा सक्षम स्वीकृति आवश्यक, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना, नगर निगम के मामले में, नगर निगम मतलब सबसे बड़ी वाली बॉडी आपको पता ही है, एक नगर परिषद होता है एक नगर पालिका होता है, तो नगर निगम मतलब जयपुर वाली बॉडी, तो इसमें दोस्तों देखिएगा अगर 25 लाख तक का माल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई निविदा करनी संविदा करनी है, तो दोस्तों क्या है अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त दोस्तों एडिशनल जो कमिश्नर है या सब कमिश्नर जो है उसके वो करेगा, 1 करोड़ तक का दोस्तों कमिश्नर कर देगा, आयुक्त कर देगा, 2 करोड़ तक का महापौर करेगा, देख लो 2 करोड़ तक का महापौर करेगा, और 5 करोड़ तक का दोस्तों वित्त समिति करेगी है ना, और ये दोस्तों बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियों के निगम में, दोस्तों बजट के प्रावधान तक पूर्ण शक्तियों निगम में, ये तीनों पे लागू होगा दोस्तों ठीक है। इसके बाद नगर परिषद के मामले में तो 2 लाख तक आयुक्त करेगा दोस्तों, 2 लाख तक आयुक्त करेगा, 50 लाख तक का अध्यक्ष करेगा,
इसकी नगर परिषद है तो क्षमता ही कम हो गई, वहां तो करोड़ों में खेल रहे थे, यहाँ लाखों में आ गए दोस्तों, देख रहे हो नगर परिषद में, वहां फिर हजारों में आ जाएंगे ना, हजारों में तो नहीं आएंगे, लाख पे आएंगे। तो नगर परिषद के मामले में आयुक्त कर देगा, 50 लाख तक अध्यक्ष कर देगा और 1 करोड़ तक दोस्तों वित्त समिति, यहाँ पे वित्त समिति 5 करोड़ कर रही थी, यहाँ पे 1 करोड़ कर रही थी दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है, मतलब कंपेयर करके करोगे तो याद हो जाएगा क्योंकि औकात के हिसाब से इनका घट रहा है। अब देखो 1 लाख आ गया, 1 लाख तक का दोस्तों कार्यकारी अधिकारी, जो भी कार्यकारी अधिकारी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके बाद 25 लाख तक दोस्तों सभापति कर देगा, है ना, यहाँ पे दोस्तों 25 लाख तक नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा था आयुक्त, कहाँ तक कर रहा था दोस्तों अध्यक्ष, कहाँ तक कर रहा था सभापति, जो है 50 लाख तक कर रहा था, यहाँ पे 25 लाख तक कर रहा है ठीक है। और 50 लाख तक दोस्तों वित्त समिति करेगी, यहाँ पे जो 50 लाख तक दोस्तों अध्यक्ष कर रहा था, यहाँ पे वित्त समिति करेगी दोस्तों ठीक है। और बजट के प्रावधान तक संपूर्ण ये आपको बताइए, पिछले आय व्यय की तुलना में राशि किसी भी समय 20% से अधिक ना हो दोस्तों, अधिक तो है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक तो देखिएगा दोस्तों पिछला आय व्यय, मतलब ऐसा कुछ हो कि पिछला जो डाटा है उससे भी 20% रेट बढ़ गया, हाई हो गया आय व्यय जो है लेखा जोखा, तो उससे 20% से ज्यादा तो क्या होगा, नगर परिषद और नगर निगम के मामले में राज्य सरकार से पूर्ण अनुमोदन लेंगे, राज्य सरकार से लेंगे कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई है ना, तो फिर तो अगर इतनी बढ़ रही है घोटाला तो नहीं है कहीं, और दोस्तों नगर बोर्ड है तो उपनिदेशक से पूर्ण अनुमोदन लेना पड़ेगा, नगर पालिका बोर्ड है तो उपनिदेशक से दोस्तों ठीक है। अब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बारे में क्या कहता है देखिएगा, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं दोस्तों, है ना, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी, कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा, बजट शीर्ष व बचत शीर्ष दोनों का उल्लेख अलग अलग किया जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी के आदेश में कार्य या सामान का नाम, निविदादाता का नाम, राशि का उल्लेख जरूरी होगा दोस्तों, ना सक्षम प्राधिकारी तो जो जिसको भी निविदा दे रहे हैं, कार्य दे रहे हैं, समय सीमा वो सारा लिखना ही पड़ेगा, और बजट उपलब्ध होने और निविदा खोलने के 7 दिन के बाद कार्य आदेश दोगे ना, बजट उपलब्ध हो जाएगा नगर पालिका नगर बोर्ड से, है ना, तो इसीलिए हम कहते थे कि जो भी बजट होगा, जो भी पैसा था वो दोस्तों नगर पालिका के बजट के अंदर रहेगा, तो बजट उपलब्ध होने और निविदा खोलने के 7 दिन के बाद, बजट उपलब्ध होने और निविदा किसी के छूट गई, ठेका छूट गया दोस्तों, तो उसके 7 दिन बाद कार्य आदेश जारी होंगे, कार्य आदेश जारी होंगे 7 दिन के बाद, और कार्य आदेश के अगले दिन दोस्तों करार एग्रीमेंट कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर दिया जाएगा, और कार्य पूरा करने हेतु निश्चित अवधि दोस्तों उसमें मेंशन रहेगी कि इतने समय में आपको सप्लाई कर देनी है ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब लागत और अवधि, देखो अब दोस्तों आपको पता है अब ठेकेदार है तो चिल्लाएगा बढ़ाएगा कि भाई साहब मेरे पैसे दो, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि अगर 5 लाख दोस्तों देखिएगा लागत है और अवधि है दोस्तों, 5 लाख तक है दोस्तों तो 1 माह में काम कर दो, है ना, अगर 5 लाख तक की मतलब 5 लाख तक की मान लो किसी कॉलोनी में सीसी रोड बना रहे हैं तो उसको 1 माह में कंप्लीट करना होगा, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है 5 से 10 लाख का प्रोजेक्ट है, मतलब कोई भवन बना रहे हैं बड़ा, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लो किसी नगर पालिका की बिल्डिंग है तो 2 माह में कंप्लीट कर दो, 10 से 50 लाख का दोस्तों पुड़िया उड़िया मामला बना रहे हैं, कोई और बड़ा मामला बना रहे हैं तो दोस्तों 4 माह में कंप्लीट कर दो, 50 लाख से 1 करोड़ का है कोई बड़ी सड़क बना रहे दोस्तों 6 करोड़ का, और 1 करोड़ से अधिक है मतलब भाई साहब बोर्ड द्वारा निर्धारित होती है, 1 करोड़ से अधिक में दोस्तों बोर्ड कह देगा, जो भी नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषद इनको बोर्ड कहते हैं यहाँ पे ना ठीक है, तो वो बोर्ड मेंशन कर देगा कि आपको ये जो 1 करोड़ से अधिक का मामला है मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, मान लो इसमें कुछ नालियाँ बना रहा है मान लो तो कर देगा, पूरे शहर में नालियाँ बना रहा है मान लो 1 करोड़ में, तो निर्धारित कर देगा कि 8 महीने में 10 महीने में 2 महीने में 4 महीने में जो भी आप कर सकते हो वो कर देना ठीक है। और कार्य की प्रगति और समय पर भुगतान दोस्तों ना, अब कार्य की प्रगति और समय पर भुगतान करना पड़ेगा देखिएगा कैसे, अब भाई साहब इनको कह तो दिया कार्यकर ठेकेदार को कि भाई साहब 5 लाख तक का काम ने 1 महीना सल्टा दीजिए, अब वो केवलो पीसा बड़ा पीसा मनी वो तो है ना, अब पीसा क्या देने से देखो भाई, अब पैसे में रोते हैं भाई सब लोग तो पैसे का भी इसमें प्रावधान है कि 1/4 दिन जो दोस्तों जो है वो दोस्तों 1/8 काम दोस्तों ना कार्य अवधि का दोस्तों, तो 1/4 दिन हमने ऊपर देखा दोस्तों कितने कितने दिन में हो रहा है देख रहे, 1 माह मतलब 60 दिन हो गए, 2 माह मतलब 1 माह मतलब 30 दिन, 60 दिन तो ये दिन में कन्वर्ट कर लेना है ना, तो 1/4 दिन ऐसे भी कर लो, 1/4 दिन का मतलब 7 दिन हो गए, तो 7 दिन महीने का कोई काम है तो कोई भी काम जिसका 1/4 भाग है वहां दोस्तों आपको 1/8 पैसा दे दिया जाएगा उसका रेस्पेक्टिवली है ना, देख रहे हो भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना इसको, आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पे है ना, और ऐसा नहीं कि अगर 1/4 भाग काम कर दिया तो 1/4 पैसा दे देगा, ये नहीं है शुरुआत में, क्या अगर 1/4 काम कर दिया तो दोस्तों 1/8 पैसा दे देगा, सरकार पहले काम देती है ना कहीं भाग ना जाए, अगर 1/2 मतलब आधा काम कर दिया दोस्तों तो 3/8 पैसा दे देंगे, 3/4 काम कर दिया 75% काम कर दिया तो दोस्तों 3/4 पैसा दे देंगे दोस्तों, तो यहां तक तो ठीक था 3/4 में मतलब अब तो कहां जाएगा बेचारा कंप्लीट करने पे आ गया 75% कर दिया तो 75% पैसा दे देंगे, और 4 का मतलब पूरा का पूरा कर दिया तो पूरा का पूरा कर देंगे पेमेंट, ये मामला है, तो पहले भागे ना है ना, पैसे दे देंगे तो भाग जाएगा लेके काम भी नहीं करेगा, तो 1/4 काम कर दिया दिन का मतलब काम लगाना इसको ना, दिन मतलब बोलना 1/4 काम कर दिया तो 1/8 पैसा दे देंगे,
अरे भाई समझ में आ रही है ना, लटक 1/8 का मतलब जो भी टोटल पेमेंट होगा 5 करोड़ 10 करोड़ उसका 1/8, काम कितना किया 1/4, तो मतलब कम ही कर रहे हैं काम के अकॉर्डिंग, पेमेंट कम कर रहे हैं पहली और दूसरी सिचुएशन में। अगर आधा काम कर दिया तो भी आधा पेमेंट नहीं देंगे, 3/8 पेमेंट देंगे, देख रहे हो। अगर ये 4/2 होता, 4/8 होता तो आधा हो जाता, 3/8 ही दे रहे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 3/4 दिन में दोस्तों, 3/4 और 1/4, इन दोनों में तो पूरा पूरा पेमेंट जितना काम होगा उतना पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये बात थी, ताकि ठेकेदार रोए ना, बेचारे ने काम तो कर ही दिया आधा से ज्यादा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे क्या कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण साधन नहीं तो बोर्ड के अनुमोदन के बाद, बोर्ड के अनुमोदन के बाद है ना, सेवाएं किराए पर ली जा सकती है बजट प्रावधान करके दोस्तों। अब देखो किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए मतलब कोई विशेषज्ञ आदमी की जरूरत पड़ गई, बाहर से बुलाना पड़ गया, अमेरिका से कोई एक्सपर्ट को बुलाना है, कोई मशीनरी बुलानी है ऐसी, तो दोस्तों कोई विशेष काम है तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन के बाद विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त की जा सकती है और उसके लिए बजट का अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। नोट क्या कहता है, असफल निविदा, निविदा असफल होगी दोस्तों, निविदाओं के अग्रिम धन की वापसी। तो मतलब मान लो 10 निविदाएं आगे, 10 फार्मों ने आवेदन किया, 9 को तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे कम दाम में करेगा। अब इन 9 में, 9 ने भी तो 25% पैसा जमा कराया था, तो इन 25% को वापस लौटाना, वो सिक्योरिटी मनी थी वो तो, है ना, ताकि फर्जी आदमी ना आए। तो 25% इनका तो हमने रिजेक्ट कराया ना, इनका तो कोई कसूर नहीं था, तो 25% वापस लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो अग्रिम धन है इनका वो वापसी निविदाओं के अंतिम निपटारे के, मतलब जिस दिन ये हो जाएगा कि एक को सेलेक्ट कर लिए और ये 9 रिजेक्ट है, तो उस दिन के 7 दिन के भीतर उनको जिनका 25% पेमेंट है वो वापस कर दिया जाएगा, है ना। सही बात है, कर दे तो ठीक है, वरना तो मुझे नहीं लगता करते होंगे, है ना। एकल निविदा प्राप्त होने पर, एकल निविदा मतलब एक ही, तो प्रस्तुत लागत दरें युक्तियुक्त हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो। दोस्तों एक ही निविदा प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों प्रस्तुत लागत, अब कोई हो गया ऐसा कि कोई और फर्में आई ही नहीं, एक ही है, तो मतलब लागत ऐसा नहीं कि एक ही है तो फिर भाव बढ़ जाएंगे, होता है ना कई बार, तो एक ही है तो लागतें जो है तो वो युक्तियुक्त हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी, जैसे अब मान लो कि आप कोचिंग करते हो, अब कोई एक ही कोचिंग वाला हो पूरे राजस्थान में, तो वो अपने रेट हाई रखेगा, है ना, कोर्स 20,000 5,000 में बेचेगा, इतने दिन बेच ही रहा था एक आदमी, है ना। अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्राइसेस लो हो रही है, तो वही माल है, तो एक की है तो युक्तियुक्त दर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगले उच्चतर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा उसके हायर वाला। और कोई भी संविदा अंशतः या पूर्णतः रद्द भी की जा सके, अंशतः मतलब आधी अधूरी काम कर लिया तो भी रद्द की जा सकती है और पूर्णतः भी की जा सकती है दोस्तों, ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, परंतु संबंधित प्राधिकारी कारण बताएगा। ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है तो संबंधित प्राधिकारी, जो भी ब्लैक लिस्ट में अधिकारी डाल रहा है, वो कारण बताएगा कि मैंने इसलिए ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ, थोड़ी खुरापात कर रहे थे आदमी, है ना, मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये की रिश्वत दे नहीं रहते, कर दिया ना। तो संविदा लिखित, है ना, संविदा लिखित रूप से होगी और अधिकारी के हस्ताक्षर बोर्ड की सामान्य मोहर दोस्तों। तो जो भी संविदा होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, उसमें जो अधिकारी कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे और बोर्ड की, नगर पालिका बोर्ड या नगर परिषद या नगर निगम हो, उसका ठप्पा लगेगा दोस्तों, गोल गोल मोहर है ना, चमचमाती हुई, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा नियम 15 क्या कहता है, अनुमानों का अनुमोदन व बिलों का परीक्षण। दोस्तों देखिएगा अनुमानों का अनुमोदन व बिलों का परीक्षण, तो 15 लाख तक का बिल, तो दोस्तों देखिएगा अनुमान, अनुमान मतलब देख रहे हो, अनुमानों का अनुमोदन। अब अनुमान क्या लगाया जाता है दोस्तों, लगाते हैं ना अनुमान, देखिएगा तो अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण दोस्तों। अगर 150 लाख तक मतलब 1.5 करोड़ तक का है तो अधीक्षण अभियंता ना SEN जो है वो अनुमोदन करेगा दोस्तों। अगर 50 लाख तक का मामला है, ये निर्माण PWD वाला डिपार्टमेंट की बात करें, वहीं पे होते हैं इंजीनियर जैसी पोस्ट है, अधिशासी अभियंता ACSEN, 5 लाख तक दोस्तों सहायक अभियंता AEN दोस्तों, और 1 लाख तक दोस्तों कनिष्ठ अभियंता JEN, यही सबसे पहले भर्ती यही होती है, इनका वैकेंसी कम आता है, ये इनका ये प्रमोशन से बनते हैं दोनों ऊपर वाले ना दोस्तों। तो 1 लाख तक का कनिष्ठ अभियंता JEN, ठीक है। अब नगर पालिका की शक्तियों से अधिक तो राज्य सरकार को भेजा जाएगा, अब इनकी शक्ति में ही नहीं है तो राज्य सरकार को भेजा जाएगा, और तकनीकी टीम का गठन दोस्तों 1 सप्ताह में निर्णय लेगी, क्या हस्ताक्षर दोस्तों, अबे दोस्तों राज्य सरकार को भेजा गया, राज्य स्तर पे एक तकनीकी टीम होगी वो निर्णय लेगी, मतलब इनके आपस से बाहर कोई बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, नगर पालिका में जरूरत पड़ गई, मान लो कोई ऐसा पावर प्लांट बनाना जो कचरे से मतलब बिजली बनाता है, तो उसके लिए तो 5-10-20 करोड़ का हो सकता करना पड़ जाए, तो ऐसा आ गया तो फिर टेक्निकल टीम गठित करनी पड़ेगी ना, कि भाई तुम बताओ कनाडा से जो भी मशीनरी आ रही है वो अपने इंडिया में कितने में मिल जाएगी, फलाना ढिंगाना, तो तकनीकी टीम का गठन होगा, वो 1 सप्ताह में निर्णय दे देगी, और फिर निर्णय दे देगी तो दोस्तों हस्ताक्षर किसके चलेंगे, इसी के, है ना, इससे ऊपर का मामला ये देखते हैं। तो SEN तो स्थानीय निकाय निदेशक दोस्तों, है ना, SEN या स्थानीय निकाय निदेशक के हस्ताक्षर चलेंगे, और अनुमान स्थल के परीक्षण के बाद राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों के आधार पर तैयार की जाएगी दोस्तों। जो अनुमान होगा कि इतना खर्चा आ सकता है, वो किसके आधार पर दोस्तों, स्थल का परीक्षण किया जाएगा कि यहाँ पे बनाना है, जो भी बनाना है, कॉलेज बनानी है, मतलब कोई धर्मशाला बनानी है, तो फील्ड निरीक्षण करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो PWD डिपार्टमेंट है
उसकी दरें निश्चित होती है कि भाई साहब छत पड़ेगी वो 132 रुपये में पड़ेगी, ये जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर जो अनुमान लगाया जाएगा तो उसके आधार पर दोस्तों वो तैयार किया जाएगा, और अनुमान के साथ साथ कार्यस्थल की योजना डिजाइन रेखाचित्र संरचनात्मक डिजाइन और तकनीकी टिप्पणी भी संलग्न की जाएगी। अब अनुमान के साथ साथ कितना 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है 50 लाख है उसके साथ उसका नक्शा जो भी होगा ना, नक्शा वगैरह डिजाइन है रेखाचित्र है कैसे कैसे संरचना ऐसा दिखेगा होता ना, DPW डिपार्टमेंट के पहले ही लगा देते पिक्चर की ऐसा बने के तैयार हो गए ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है कि वो उसके साथ संलग्न होगा। उसके बाद कहता है कि अनुमान जो अनुमान की प्रतियां है वो 3 लोगों को भेजी जाएगी, प्रति तकनीकी दोस्तों अधिकारी के पास है ना, ये तो तकनीकी अधिकारी के पास रहेगी, एक जो मैप बनाता है मान लो कोई है ना आर्किटेक्ट टाइप का आदमी इंजीनियर आदमी है जो टेक्निकल आदमी है उसके पास रहेगी दोस्तों ठीक है, एक दोस्तों अगले उच्चतर अधिकारी को जो उसका हायर ऑफिसर है उसके पास रहेगी, और एक मूल प्रति संबंधित नगर पालिका को भेजी जाएगी है ना, जिस भी नगर पालिका के अंदर काम रहा जैसे नगर निगम जयपुर में काम होने वाला है या नगर परिषद के संगठन में या नगर पालिका जो अपने में होना है तो वहां पर दोस्तों भेज दी जाएगी एक प्रति कि ये तुम्हारे यहाँ पे ये कर्मकांड होने वाला है ठीक है। इसके बाद देखिएगा कर्मकांड तो समझते हो ना भाई है ना, कोई भी मतलब काम होता है तो मैं उसको कर्मकांड ही बोलता हूँ है ना, जैसे यहाँ किए जा रहे हैं कर्मकांड है ना, यदि कोई निविदा संविदा इन नियमों और अधिनियम के अनुरूप नहीं तो दोस्तों वह बाध्यकारी नहीं होगी, अगर नियमों के अनुरूप नहीं है तो बाध्यकारी नहीं है, मानना जरूरी नहीं है। और नियम 17 कहता है निविदा इत्यादि के प्रारूप दोस्तों उसका ड्राफ्ट क्या होगा, तो देखिएगा निविदा प्रारूप जो भी होगा उसका दोस्तों शर्तें हैं करार का प्रारूप है यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे दोस्तों, और जो कि स्थानीय वित्तीय एवं लेखा नियमों में निर्धारित किए गए जो स्थानीय वित्तीय और लेखा नियमों में निर्धारित नगर पालिका के उसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। उसके बाद कार्यों का विभागीय स्तर और ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना और चालू भुगतान ऑनगोइंग पेमेंट जो है पूर्णता रिपोर्ट जो है अग्रिम भुगतान है लेखों और लेनदेनों से संबंधित जो भी प्रारूप है और रजिस्टर दोस्तों उन प्रारूपों का रजिस्टर वही होगा जो कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभाग में प्रयोग किया जाता है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो प्रयोग करता है वही रजिस्टर उसी प्रकार का लेखा से लिए सारा वही किया जाएगा, कोई नई बात नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऊपर की बात हमने कर दी कि अगर कोई निविदा रिजेक्ट होती है तो उसका पेमेंट 7 दिन में कर दिया जाएगा, फलानी डिंकाणी की जो मोटी मोटी बातें वो आपको ध्यान रखनी होगी ठीक है दोस्तों। तो ये था नियम हो गया दोस्तों क्रय विक्रय अनुबंध नियम 1974 कंप्लीट हो गया है, बहुत प्यारा सा था हालांकि बहुत बड़ा था, हमने उसको समराइज किया, इससे बाहर कोई सवाल जाएगा नहीं, वापस रिवीजन कर जाना। ये PDF आपको दोस्तों एग्जाम एम्पायर ऐप पर नीचे जो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है मैंने लिंक उस पर जाकर के प्राप्त कर सकते हो दोस्तों ठीक है, वहाँ पे पूरे नगर पालिका अधिनियम दोस्तों 2009 वाली PDF भी ई बुक के रूप फॉर्मेट में पड़ी हुई है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और 89 रुपीज़ में दोस्तों 18 टेस्ट डाले हुए हैं और अब दोस्तों फुल टेस्ट भी आपको आने वाले हैं वो 89 रुपीज़ में दोस्तों, तो नाम मात्र के शुल्क पर टेस्ट सीरीज लगाइए, भर भर के क्वेश्चन पड़े हैं, साथ में पॉलिटिकल टेस्ट सीरीज भी है जो कि 99 रुपीज़ का है, वो आपकी बेहतर तैयारी को बेहतर देगा, क्योंकि कल मैंने PTA के एग्जाम में भी देखा RPC ने जो एग्जाम पूछे हैं दोस्तों वो उच्चतम लेवल के और वो हमारी टेस्ट सीरीज से सारी ही मैच कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए क्योंकि पॉलिटी और नगरपालिका अधिनियम पार्ट भी जो है वही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, GK में 1-2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेंगे लेकिन यहाँ पे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। शाम को 5 बजे हम दोस्तों क्वेश्चंस लगाएंगे इसी के दोस्तों संपूर्ण पार्ट बी के दोस्तों 30 टॉप क्वेश्चंस वो हम लगाने वाले हैं, 5 बजे सभी लाइव आ जाना, शाम 5 से 6 बजे हम लाइव रहेंगे और उसके बाद 8 बजे हमारी GK की क्लास लाइव रहेगी है ना, शाम को 5 से 6 एक GK की क्लास रात में लाइव 8 बजे से रहेगी ठीक है, थैंक यू, और कमेंट कर देना भाई क्लास कैसी है ठीक है।